हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज जल में नमक की जो विलयता है उसकी व्याख्या करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि द्रव में जब कोई ठोस घुलता है तो उसकी विलयता पर ताप का और दाब का क्या प्रभाव होता है। तो आइए, आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, जल में नमक की विलयता की व्याख्या। तो आप सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास NaCl है, आपने जल में इसको डाला और ये आपका सॉल्यूशन तैयार। आपको जानना होगा कि जो नमक है NaCl है वह आयनिक कंपाउंड है। यह आयनिक कंपाउंड और जो आपका जो जल है यह पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम समझते हैं कि जो नमक है, आप इसको ऐसे समझिए कि इसमें Na प्लस है और साथ में Cl माइनस है। ये Na प्लस और ये Cl माइनस है। जो जल है H2O में ये O है जानते होंगे, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ये डेल्टा प्लस होते हैं दोनों हाइड्रोजन और ये डेल्टा माइनस, मतलब आपका ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि जब जल में आपने नमक को डाला तो जब इसमें इसको आपने डाला तो ये घुला क्यों? तो इसे समझने के लिए थोड़े से हमको इनकी जो संरचना है ये देखिए कि आपके पास जो ये जल है इसको हम लोग इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन हो गया और दो हाइड्रोजन जो है छोटे छोटे हम ऐसे बना रहे हैं। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, याद रखना है, और ये ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन हो गया। तो आपके पास H2O है, बहुत सारा NaCl के मॉलिक्यूल है। तो हम अब NaCl को इसी तरह से दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, NaCl है, आपने इसको डाल दिया H2O में। तो इस टू को आपने इसे दिखाया। तो होता क्या है कि ये जो है नेगेटिवली चार्ज है और ये है प्लस आवेश। इस तरह से ये प्लस और माइनस आकर्षित करते हैं और ये जो माइनस और प्लस है ये आकर्षित करते हैं। कौन सा बल लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो इनके बीच में लगा, इसके विद्युत बल। अब चूंकि जल में एक तो अणु है नहीं, बहुत सारे अणु हैं, तो देखिए हुआ क्या, इसको आप ऐसे समझिए कि जब ये आकर्षण लगता है ये आयनिक कंपाउंड, तो ये आयन के रूप में टूट जाते हैं, मतलब ये प्लस अलग हो जाता है और माइनस अलग हो जाता है इसके आकर्षण से। जैसे ये माइनस अलग होता है तो ये जो आपके पास जो हाइड्रोजन है जो कि प्लस आवेश है ये उनकी तरफ खिंचाके चला जाता है, और ये जो माइनस आवेश है ये इसके प्लस, आप ध्यान रखिएगा प्लस Na प्लस है ये, और ये Cl क्या है, ये माइनस है, Cl माइनस है। तो हमने क्या किया, एक Na प्लस लिया, ये Na प्लस है, तो Na प्लस के चारों तरफ हो जाएगा ये कौन माइनस। तो देखिए कैसे हो जाता है,
ध्यान दीजिएगा, ये सब माइनस है। तो जो NaCl था उसमें से Na अलग हुआ, और ये जो जल के अणु है, ये देखिए ये जल के अणु, इनके बीच में ये जो नेगेटिव आवेश जो ऑक्सीजन था उसकी तरफ चला गया, और यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा। यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, अब इसका क्या हुआ, माइनस का क्या हुआ, Cl माइनस। तो आप इस वैसे समझिए कि Cl माइनस है और जल के ये अणु हैं, ये सब जो है हाइड्रोजन है, प्लस आवेश है, ये ऑक्सीजन है, माइनस है। तो देखिए ये प्लस आवेश है, आप जानते हैं ये प्लस है, और यहां पर क्या है, माइनस है। इस तरह से इनके बीच में भी आकर्षण लगा, अट्रैक्शन हुआ। इस प्रकार अब देख रहे हैं कि जैसे आपने NaCl को जल में डाला तो NaCl क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस करके टूटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और जो Na प्लस है उसके चारों तरफ जल के अणु आए, Cl माइनस के भी चारों तरफ जल के अणु आए, लेकिन जब Na प्लस है तो इसकी तरफ ऑक्सीजन रहा क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, और जब Cl माइनस है तो उसके तरफ कौन गया, हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव चार्ज है। इस ये जब इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड आयन, हुआ आयन है ये है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आयन, तो ये भी हाइड्रेटेड आयन होगा। अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर आकर्षण बल लग रहा है, प्लस माइनस के बीच यहां क्या आकर्षण बल लग रहा है। तो जब ये हाइड्रेटेड आयन बनते हैं तो उस दरमियान हाइड्रेशन के जो आयन का हाइड्रेशन हुआ उसकी वजह से एनर्जी जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे जो ये प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगा, इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण एनर्जी उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसके कारण जो एनर्जी हुआ उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी उत्पन्न होता है, लेकिन ध्यान देना है कि यहां पर जब Na प्लस और Cl माइनस टूटा तो उस वक्त ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा कहां से आया, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आपको ध्यान से सुनना होगा कि Na प्लस और Cl माइनस ग्रुप में टूटे इसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो जब आपने नमक को पानी में डाला तो ऊर्जा कहां से आया कि टूटा, तो जैसे ही नमक को आपने पानी में डाला तो Na प्लस और Cl माइनस और ये जो जल के अणु हैं इनके बीच जो कि पोलर होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स लगा, और इसके चारों तरफ आ गया ये हाइड्रेशन, जो हाइड्रेटेड आयन बना। तो इस हाइड्रेटेड आयन बनने के क्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, जो ऊर्जा उत्सर्जित हुआ उसी ऊर्जा से टूट जाता है। इसका मतलब कि NaCl को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहां से उत्पन्न हो रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वही इसको तोड़ता है। तो अगर सोचिए कि हाइड्रेशन एनर्जी का मान कम हो, और यहां पर इसको हम लोग कहते हैं तोड़ने में जो ऊर्जा लगता है इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी का मान ज्यादा हो तो ये क्या होगा, नहीं टूट पाएगा, इसका मतलब कि जल में वो पदार्थ नहीं घुलेगा। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो गया, लैटिस ऊर्जा ही कम हो गया, तो ये आसानी से टूट जाएगा। इसे आप नोट करें चित्र को, तब तक हम आप इसको लैंग्वेज में भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट सभी हमने आपसे कहा कि लैटिस एनर्जी जो NaCl को तोड़ने में लग रहा है, और जब वो आयन चारों तरफ Na प्लस और Cl माइनस जब जल के अणुओं से गिर जा रहा है तो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी।
हाइड्रेशन एनर्जी का मान यदि लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुआ तो पदार्थ जो होते हैं जल में घुलेंगे या किसी भी विलायक में घुलेंगे, अदरवाइज नहीं घुलेगा। तो आपने निष्कर्ष यह निकाला यदि लैटिस एनर्जी का मान हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगा तो कोई पदार्थ विलायक में घुलेगा अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं भूलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पदार्थ को आप जल में या किसी भी विलायक में घोल रहे हैं उस पदार्थ जो पदार्थ है आपका विलेय उसका लैटिस ऊर्जा का मान जो हाइड्रेशन एनर्जी हुआ उसके अपेक्षा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप कर सकते हैं यहां पर कि घुलने के लिए जो कंडीशन है शर्त है कि डेल्टा हाइड्रेशन इंथैल्पी का मान ये बड़ा होना चाहिए लैटिस एनर्जी। अगर यह है यही विलयता का शर्त है घुलने का शर्त हुआ अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मान ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी से तो पदार्थ जल में घुलेगा, अगर नहीं हुआ तो पदार्थ नहीं घुलेगा। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि जो ताप है उसका क्या प्रभाव पड़ता है विलयता पर, तो आप इसे नोट करिए फिर ताप के बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग समझते हैं विलयता पर ताप का प्रभाव, जो विलयता है उसको ताप कैसे प्रभावित करता है। तो विलयता पे ताप के प्रभाव को समझने के लिए यह जरूरी है कि समझें हम लोग इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। एक शब्द है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, विलय का इंथैल्पी। देखिए क्या है विलयन की एंथैल्पी, तो जब आप किसी विलायक को और विलेय को आपस में मिलाते हैं तो हो सकता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो या अवशोषण हो। तो जो ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसी को विलयन की एंथैल्पी कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, विलायक और विलेय को जब आपस में मिलाते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो सकता है या अवशोषण हो सकता है। तो जितना ऊर्जा उत्सर्जित होता है अथवा अवशोषित होता है उसी ऊर्जा को विलयन का एंथैल्पी कहते हैं। जब
देखिए हमने लिखा जब विलायक और विलेय को आपस में मिलाया जाता है, वही जो मैं अभी आपको सुनाया, तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषित होता है, जितना लिखना अच्छा रहेगा, जितना ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, वही ऊर्जा का जो मान मैग्नीट्यूड है कहलाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को जनरली देखिए डेल्टा एस ओ एल एच से सूचित किया जाता है। अब देखिए अगर विलाय पर विलेय को मिला है और उष्मा क्षेपी प्रक्रिया हुई या उष्मा शोषी प्रक्रिया हुई, तो दोनों परिस्थिति में टेम्परेचर का अलग अलग रोल होता है। आप इस पर डेफिनेशन को नोट करिए और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये विलायक है और इसमें मिला दिया गया विलेय, बन गया विलयन और साथ में उष्मा निकल गया, ऊर्जा निकल गया। तो आप इसको कहने की तो उष्मा क्षेपी प्रक्रिया हो गई ना, इसका मतलब हुआ कि ये उष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। तो जब उष्मा क्षेपी प्रक्रिया होगी तो इसके लिए जो होता है डेल्टा एस ओ एल एच लेस देन जीरो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव। तो याद रखिए महत्वपूर्ण बात कि किसी भी विलयन के निर्माण के क्रम में, विलयन बनने के क्रम में अगर उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब प्रक्रिया उष्मा क्षेपी है, तो ताप बढ़ाने से विलयता घटेगा। आपको कली चुना लीजिए क्विक लाइम, उसको गर्म पानी में घोलिए और ठंडे पानी में घोलिए, तो पाएंगे गर्म पानी वो कम घुल रहा है, क्योंकि चूना का पानी में घुलना एक उष्मा क्षेपी प्रक्रिया होता है। तो हम लोगों ने इससे यहां पर नोट करना है, जब उष्मा क्षेपी बढ़ाने पर विलयता घटता है, एकदम कंफर्म याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अगर प्रक्रिया उष्मा क्षेपी है, ताप बढ़ाएंगे विलयता का मान घट जाएगा। दूसरा, ये पहला था, दूसरा ये विलायक है, विलेय है, मिला दिया बन गया विलयन और माइनस हो गया उष्मा, इसका मतलब हो गया उष्मा शोषी। ये उष्मा शोषी प्रक्रिया है। उष्मा शोषी प्रक्रिया को आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि डेल्टा एस ओ एल एच ग्रेटर देन ये जीरो, मतलब डेल्टा सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो है पॉजिटिव। तो अगर विलायक और विलेय को मिलाएं और टेम्परेचर जो है घट जाए, जल का उष्मा का अवशोषण हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि जितना ताप बढ़ाइएगा विलयता उतनी तेजी से बढ़ेगा। तो इस स्थिति में इस
विलियन के लिए बढ़ाने पर वरीयता बढ़ता है। तो हम लोगों ने जो सीखा वो ये चीज कि अगर विलायक विलेय को मिलाएं और उष्मा उत्पन्न हो जाए, उष्मा क्षेपी हो जाए, तो ताप बढ़ाइएगा विलयता घट जाएगा। ताप जितना बढ़ाइएगा विलयता घटेगा। अगर विलायक और विलेय को मिलाएं और उष्मा का अवशोषण हो जाए, मतलब जल का जो उष्मा है घट जाए, तो उसके लिए ये याद रखेगा, ये हो गया आपका विलयन की एन्थैल्पी का मान धनात्मक हो जाए। उसी तरह से यहां से पढ़ सकते हैं जब विलयन की एन्थैल्पी का मान ऋणात्मक हो जाए, तो जब धनात्मक हो जाएगा तो ताप बढ़ाइएगा और उस क्रम में विलयता बढ़ेगा। इसे आप नोट करिए और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि विलयता के आधार पर जो विलयन है वो कितने प्रकार के होता है। विलयन के प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आधार है विलयन में घुली हुई जो विलेय की मात्रा है उसके आधार, जो विलयन में विलेय घुला है उसकी मात्रा को अगर आधार बना दिया जाए तो विलयन होते हैं तीन प्रकार के। एक का नाम है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब है कि आपके पास मान के ग्रस पानी है, आपने इसमें एक चम्मच चीनी डाला, घुल गया। आप एक चम्मच और डाले, वो भी घुल गया। आप देख पा रहे हैं इसमें और चीनी की अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है बिना ताप में परिवर्तन के, तो आप समझ लीजिएगा कि वो असंतृप्त विलयन है। आपके पास मान लीजिए, तो इसको ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा बिना ताप में परिवर्तन के घुलाई जा सके। उससे असंतृप्त विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिस विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घुले बिना किसी तरह के टेम्परेचर में परिवर्तन किए, तो समझ लीजिएगा असंतृप्त विलयन। दूसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब हुआ कि आपने पानी लिया, यस, इसमें एक चम्मच चीनी डाला, घुल गया। एक चम्मच और डाले, घुल गया। एक चम्मच और डाले, घुल गया, लेकिन और अब ज्यादा नहीं घुलेगा। तो हम समझ लेंगे कि विलयन संतृप्त है, मतलब वह विलयन जिस विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा न घुलाई जा सके बिना ताप में परिवर्तन के, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बिना ताप में परिवर्तन के न घुलाई जा सके। क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। अब है तीसरा, आप समझ गए संतृप्त विलयन का मतलब, जिस विलयन
एक ऐसा मिले जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न हो जाए। अति संतृप्त का क्या मतलब होता है कि जो संतृप्त विलयन होते हैं ना, उस संतृप्त विलयन में जब आप उसको गर्म कर देते हैं तो अनेक स्थिति में विलय की और ज्यादा मात्रा घुल जाती है, तब उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आपने चीनी और नमक घुलाया हुआ है, चीनी और सॉरी पानी को घोले हुए, अगर उसको गर्म कर दें तो उसमें चीनी की थोड़ी और मात्रा घुल जाएगी, इसे संतृप्त विलयन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास पानी है, ये 3 चम्मच डाले, ये क्या हो गया, संतृप्त हो गया। आपने इसको हीट कर दिया और हीट करने से इसमें अब 1 चम्मच और घुल गया, 4 चम्मच घुल गया चीनी, अब ये क्या हो गया, अति संतृप्त। तो आप इसको नोट कर लेंगे, क्या लिखेंगे कि वह विलयन जिस वह संतृप्त सॉरी जब संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो उसमें विलेय की और अधिक मात्रा घुल जाती है, तो उस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, और संतृप्त विलयन माने जिसमें विलेय की और ज्यादा मात्रा घुलाई जा सके, संतृप्त विलयन मतलब जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घुलाई जा सके, अति संतृप्त माने संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें अतिरिक्त मात्रा में अगर विलेय घुला दें तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अति संतृप्त विलयन। आप आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ये था ठोस जो है विलेय था और विलायक था द्रव, अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव में गैस की विलेयता। तब तक आप इसे नोट करें। जय हिंद।